अमेरिकी वॉरशिप के ताइवान स्ट्रेट में आने से चरम पर पहुंच चुका है तनाव। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस मिलियस पहुंच चुका है ताइवान स्ट्रेट। वॉरशिप को लेकर अमेरिका और चीन के बीच अब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले हफ्ते साउथ चाइना सी में यूएस वॉरशिप ने बकायदा यहां पर पेट्रोलिंग की थी। तो युद्ध के मुहाने पर क्या अमेरिका और चीन पहुंच गए हैं और क्या एक बड़ा वॉर फ्रंट खुलने वाला है, इससे जुड़ी कुछ बातों पर नजर डालते हैं। ताइवान स्ट्रेट में यूएस का सबसे खतरनाक वॉरशिप आ चुका है। सोमवार को यूएसएस मिलिशियस ताइवान स्ट्रेट में दिखा। ताइवान स्ट्रेट में पेट्रोलिंग करता दिखा यूएसएस मिलिशियस और चीन की सीमा के पास आने से चीन में भारी खलबली मची हुई है। चीन ताइवान में तनाव के बीच वॉरशिप का ताइवान स्ट्रेट आना काफी अहम है। वॉरशिप को लेकर अमेरिका चीन के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। हमारे साथ तमाम मेहमान और एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीके घोष हैं नेवल एक्सपर्ट और साथ ही ब्रिगेडियर शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सिंह सर, मिलिशियस का वहां पहुंचना चीन के लिए वाकई क्या चिंता की बात है, क्योंकि जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है ऐसा हमने इसके पहले भी देखा था। नैंसी पेलोसी के आने के समय भी लगा कि किसी भी वक्त वॉर हो सकती है, उससे क्या ये ज्यादा टेंशन वाली सिचुएशन आपको दिख रही है? देखें रवि, ये एक फोर्स प्रोजेक्शन और पावर प्रोजेक्शन की पर्सनैलिटीज दोनों देशों की इमर्ज हो रही है, अमेरिका बाइडेन के नीचे और चाइना शी जिनपिंग के नीचे। और ये जो जितना भी कार्रवाई हो रही है, चाइना की मिलिट्री ड्रिल्स और अमेरिका की ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं वॉरशिप्स वगैरह की, ये उसी को हासिल कर रही हैं। अभी लास्ट टाइम पेलोसी आई तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ड्रिल्स की, और इस समय जब वो बन गई थी, साई बन गई थी अमेरिका में, स्पीकर ऑफ हाउस को मिली थी और उसके बाद उन्होंने मिलिट्री ड्रिल्स की। और इस मिलिट्री ड्रिल्स में क्या हुआ है कि चीन ने अपना पावर प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाया है। एक ब्लॉकेड किया है ताइवान का, उन्होंने अपने एयर टारगेट्स वगैरह सारे इस्तेमाल किए हैं, आपके वॉरशिप्स को इस्तेमाल किया है उसका एक राफ्ट। लेकिन मैं एक सिंपल सा सवाल है, क्या ये धार देने की कोशिश है या फिर वाकई युद्ध छेड़ देगा चीन? नहीं, मेरे समझ में इस समय कोई लड़ाई का समय नहीं है और ना ही आएगा। 2027 में ही चीन का प्लान है, जबकि पीएलए का 100 साल की सेलिब्रेशन होनी है, उससे पहले वो नहीं करेगा, उससे पहले वो तैयारी में है। ठीक है, तैयारी बड़ी की जा रही है चीन की तरफ से, लेकिन हमला होगा ना होगा ये संशय के बादल हैं। अमेरिकी युद्धपोत को लेकर चीन ने विरोध जताया। एक और बड़ी खबर, ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत ट्रैक हुआ है। अमेरिका की तरफ से इन दिनों गतिविधि काफी बढ़ गई है। चीन का कहना है हमारी सेना लगातार अलर्ट मोड पर है और जवाब देने के मोड पर है। अमेरिका की तरफ से इन दिनों गतिविधि काफी बढ़ गई है, चीन इस पूरी तरह से इस पर पैनी निगाह रखा हुआ है और जहां अलर्ट बढ़ता जा रहा है वहां पर समझ में आ रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में जंग हो सकती है। बिल्कुल, और ताइवान स्ट्रेट में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट में वॉरशिप आने पर अमेरिका का जवाब क्या है, देखिए इसका इंतजार हर तरफ से किया जा रहा था कि अमेरिका कहता क्या है। अमेरिका के साथ में बेड़े ने कहा यह रूटीन प्रक्रिया है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत ताइवान स्ट्रेट में हमारा वॉरशिप पहुंचा है। ये अमेरिका की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन जिसका इंतजार किया जा रहा था इस बड़ी मूवमेंट के बाद वो हमारे सामने है। अमेरिका इसे रूटीन प्रक्रिया बता रहा है, साथ में बेड़े ने कहा यह एक रूटीन प्रोसेस है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत ताइवान स्ट्रेट में हमारा वॉरशिप पहुंचा है। ये अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है इस बड़े डेवलपमेंट के बाद। तो देखिए, लेकिन इस पूरे मूवमेंट ने तनाव तो इस रीजन में बढ़ाकर रख ही दिया है। समंदर में वॉरशिप, अमेरिका वर्सेस चीन। जी हां, ताइवान स्टेट में अमेरिकी युद्धपोत ट्रैक हुआ है। चीन ताइवान स्टेट में अमेरिकी युद्धपोत ट्रैक करने की बात कर रहा है। चीन वर्सेस अमेरिका के बीच देखिए कैसे शोले भड़क रहे हैं। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, अमेरिका की तरफ से ये बताया जा रहा है। चीन की तरफ अमेरिकी गतिविधि तेज हुई है, चीन दुनिया को बता रहा है अमेरिका किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, यह हवाला देता हुआ नजर आ रहा है। हमारी सेना लगातार अलर्ट मोड में है, चीन कह रहा है यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यह अमेरिका का जवाब, किसी भी हालत में राष्ट्र की सुरक्षा होगी,
अमेरिका कह रहा है इंटरनेशनल नियमों के तहत ही हमने अपना ये वॉरशिप भेजा है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन जब तनाव इतना ज्यादा हो तो रूटीन प्रोसेस भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, इससे माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए चीन ये दलील दे रहा है, अमेरिका कह रहा है कि चीन की वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर घोष, मैं आपका रुख करूंगा। एक वॉरशिप का ऐसे वक्त में पहुंचना, ताइवान स्ट्रेट में दाखिल होना, जब चीन और ताइवान के बीच तनाव जो है वो चरम पर है और इसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त टेंशन हम देख रहे हैं, इसे रूटीन प्रोसेस कैसे कहेंगे? देखिए, ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फोन ऑप्स इसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, ये अमेरिका कई सालों से कर रहा है और ये साउथ चाइना सीज में और कई जगहों पे कर रहा है, भारत के वहाँ पर भी उसने किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा कि इस मौके पर जब ऐसा फोन ऑप्स होता है, इसका मतलब एक मैसेज देना है कि देखिए आपने अभी ताइवान के सामने इतना बड़ा एक युद्ध अभ्यास किया, वहाँ पर मीडियन लाइन क्रॉस किया। मैसेज देने का कॉन्फिडेंस भी कहाँ से मिल रहा है? रूस जी नहीं, ये अमेरिका को जो मैसेज, अमेरिका मैसेज दे रहा है चीन को कि देखिए आप आगे मत बढ़िए, आपने अभी एक अभ्यास किया, ये जब उनके प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट साई ने मिला वहाँ पर अमेरिका के दौरे पर जाकर, तो अभी उन्होंने जब एक युद्ध अभ्यास किया, फिर मीडियन लाइन एक है जो चीन और ताइवान दोनों मानते थे, उसको क्रॉस किया और फिर वो अभ्यास किया, तो अभी अमेरिका कह रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पर युद्ध पोत है, हम फोन ऑप्स करेंगे, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जी। तो प्रॉब्लम ये होता है अगर कोई मिसकैलकुलेशन हो जाए और ये आगे बढ़ जाए, तब कुछ भाग सकता है। इस बीच अब ये भी दर्शकों को बताते हैं कि अमेरिका और चीन के पास कितने हथियार हैं। सबसे पहले हम रैंक की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है जबकि चीन तीसरे नंबर पर है, ये रैंक की बात है। सैनिकों की बात अगर की जाए तो देखिए सैनिक किसके पास कितने, अमेरिका के पास 14 लाख, तो चीन के पास उससे कहीं ज्यादा, 7 लाख ज्यादा है, 21 लाख सैनिक है। अमेरिका के पास 2085 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं तो चीन के पास है 1232। ये किसके पास क्या क्या हथियार, कितने सैनिक, को डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के पास 967 अटैक हेलीकॉप्टर हैं तो चीन के पास कम है, 281 हैं। कौन किस पर कितना भारी है इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अमेरिका के पास टैंक कितने, 6289 तो अमेरिका के पास है महज 3500 टैंक। और ये देखिए युद्धपोत किसके पास कितने हैं, तो अमेरिका इस यहां पर भी भारी नजर आ रहा है, 715 है अमेरिका के पास तो चीन के पास है 371। इसके अलावा ये देखिए परमाणु बम न्यूक्लियर वेपन किसके पास क्या है, अमेरिका के पास 5800 और चीन के पास महज 290। अमिताभ सर, ये तो हमने दिखाया किसके पास कितने हथियार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब ताइवान में कौन किसे भड़का रहा है, चीन भड़का रहा है या अमेरिका भड़का रहा है? देखिए, अमेरिका कभी भी खुद सामने आके युद्ध नहीं करता, प्रथम विश्व युद्ध लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लीजिए, वो किसी के पीछे खड़ा होकर उसको उकसाता रहता है, जैसे ताइवान को उकसा रहा है, जैसे यूक्रेन को उकसा रहा है, जैसे इजराइल को वेस्ट एशिया में, माइंड अमेरिका है और सबका मास्टरमाइंड अमेरिका है। अमेरिका की जो आप सिपरी का ये दिखा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है और इसके जितने बेड़े हैं, जितने नौसेना है, सेना है या जो एयरफोर्स है, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ये जो भड़काने का काम है वो एक प्रिटेक्स्ट है, हर पावर को ये चेक करने की कैपेसिटी रखता है। ताइवान को इसने कहा कि ये एक ऑटोनोमस पार्ट है और चीन को इसने रिकॉग्नाइज कर दिया 71 में, चीन को उसने उस समय सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा कर दिया था। तो अमेरिका कभी भी युद्ध करेगा नहीं, इसी तरह के पिनप्रिक्स करता रहेगा। लेकिन मैं ये बता दूं, ये नंबर जो आपने दिखाया ये बहुत रेलेवेंट है और बहुत सही है। चीन को अमेरिका के पास आने में कम से कम 30 साल लगेंगे, लेकिन अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि ये एक 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 मॉन्स्टर है, चीन है, जिसको हमें लड़ना है। आप ये बता रहे हैं कि ये जो बीच, ये सब कुछ जंग के बीच में सब कुछ चल रहा है, खेल चल रहा है, असल मदारी अमेरिका है। बिल्कुल, और मदारी ही नहीं, अगर
किसी को वर्ल्ड एजेंडा सेट करना होता है तो वो अमेरिका ही करता है और ये सिर्फ दिखाने की बात कह रहे हैं कि प्रोफेसर अमिताभ आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि लाइन अमेरिका ने बड़ी खींची है और उसके बाद से ही ये जो तनातनी है वो और ज्यादा चीन और अमेरिका के बीच में बढ़ रही है। लेकिन किसकी पास कितनी ताकत है, कौन किस पर भारी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी युद्ध पोत के आने के बाद चीन का बड़ा फैसला सामने आया है। येलो सी में आज चीन कर रहा है मिलिट्री ड्रिल। आज दोपहर 12 बजे तक चलेगा चीन का ये मिलिट्री ड्रिल। अब आपको जो वॉर ड्रिल हो रहा है, चीन तैयारी कर रहा है इतनी बड़े लेवल पे, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वॉर ड्रिल के डिटेल्स बताएंगे। तो आखिर ये चीन वॉर ड्रिल कर क्यों रहा है, अब बड़ा सवाल ये है। वॉर ड्रिल के मायने क्यों हैं? चीन ये जो मसल रिफ्लेक्स कर रहा है वो क्यों कर रहा है और चीन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश इस वॉर ड्रिल के जरिए कर रहा है। पहली बड़ी बात ये है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ये वॉर ड्रिल की जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी बात कि ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है ताकि दुनिया पे एक पर्सपेक्टिव बने कि चीन अपनी तैयारी कर रहा है। चीन की सेना की ताकत परखना मकसद है, पीएलए को एकाएक हमले के लिए तैयार रखना, सेना अलर्ट करना, दुनिया को दिखाने की कोशिश, ये चीन का मकसद है। हमने इससे पहले सिंह साहब आंकड़े भी दिखाए जो देखे दर्शकों ने, लेकिन असलियत क्या है, कौन किस पर भारी है, ताकतवर कौन ज़्यादा है और अमेरिका को जो जवाब देने की कोशिश हो रही है तो क्या ये प्रेशर काम आएगा? देखिए निधि, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो ताकत है, उसकी तादाद है, वो तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। बट ये हमने देखना है कि जो ताइवान 160 किलोमीटर का फासला है चीन के मेन लैंड से, और चीन ने लड़ाई लड़नी है, अगर लड़नी है ताइवान में तो वहाँ से लड़नी है, और अमेरिका ने आना है अपने देश से, उसकी नियरेस्ट बेस है ग्वाम फिलीपींस और उसकी बेस है जापान में। चीन की तो जमीन ही है, तो चीन ने तो अपने इलाके से लड़ाई करनी है, तो अमेरिका के ऊपर ये लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का बहुत बड़ा लोड रहना है। और दूसरा है कि इसलिए जितनी भी तादाद हो, जो आपने आंकड़े दिखाए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका सारा ही स्ट्रेंथ वहां पे डाल सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए अमेरिका की स्ट्रेंथ तो सर हैं कि ताइवान की लड़ाई हो। अमेरिका की स्ट्रेंथ तो वैसे भी डिवाइडेड है, कई जगह ग्लोबली इंगेज है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है कि अमेरिका पूरी ताकत एक जगह नहीं झोंक सकता। नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए बड़ी वॉर ड्रिल, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने ये वॉर ड्रिल की है। साउथ कोरिया के समुद्री तट पर मिसाइल डिफेंस वॉर ड्रिल, वॉर ड्रिल से नॉर्थ कोरिया और चीन को बड़ा जवाब। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस ड्रिल की, अमेरिका और साउथ कोरिया का ये ड्रिल, और कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया ने हाल के दिनों में जो एक्सरसाइज की है, जो अपने ICBM लॉन्च किए हैं सक्सेसफुली और कहीं ना कहीं एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट किया है, उसको उत्तर देने के लिए ये बड़ी वॉर ड्रिल की जा रही है। तो समंदर में युद्धाभ्यास, जंग में अमेरिका, क्योंकि जैसा अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, क्या सीधे कभी अमेरिका आएगा इस जंग में? तो देखिए, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की नेवी ने बड़ी वॉर ड्रिल की है। साउथ कोरिया के समुद्री तट पर मिसाइल डिफेंस युद्धाभ्यास किया गया, नॉर्थ कोरिया और चीन को सबक सिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए ये ड्रिल है। और नॉर्थ कोरिया ने कुछ दिन पहले अमेरिका को धमकी दी थी, नॉर्थ कोरिया ने कहा था अमेरिका न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, कोरियन प्रायद्वीप में वॉर ड्रिल कर तनाव फैला रहा है, यूएस ये कहना था नॉर्थ कोरिया को, और उसके बाद से ही ये एक स्टैंड एक तरीके से इन देशों का नजर आ रहा है इस पूरे रीजन में। शरदेंदु सर, ये जो परसेप्शन बनाया गया है एक तरीके से कि युद्ध के लिए अमेरिका रेडी है, ये जो वॉर ड्रिल की जा रही है, नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, बार बार वही जहन में आता है, क्या अमेरिका कभी भी खुलकर सामने किसी भी देश के खिलाफ युद्ध लड़ेगा या लड़ने की स्थिति में है? देखिए, अब तक क्या हिस्ट्री अगर हम देखें तो अमेरिका ने कभी डायरेक्ट युद्ध लड़ा नहीं है, लेकिन मेरे समझ से नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो किसी भी डिस्प्यूट का फ्लैश पॉइंट बन सकता है, जहां एक तानाशाह शासक है और उसकी जो सोच है वो अलग तरीके की है। जब पिछला रिपब्लिकन की सरकार थी तो वह एक वहाँ भाईचारा और दोस्ती का थोड़े समय तक
वातावरण बना था, लेकिन जब से जो बाइडन की सरकार बनी है तब से ये फिर से इनके रिलेशन स्टिफ हो रखे हैं। तो नॉर्थ कोरिया, लेकिन सर क्या नॉर्थ कोरिया एक लोन वुल्फ की तरह काम कर सकता है, या उसको बिना कोलैबोरेशन के, बिना चीन के चाबी भरे क्या नॉर्थ कोरिया चल देगा? देखिए उसका एक ग्रुप तो बना हुआ है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, यही मैं पूछ रहा हूं, आज की डेट में ब्राजील भी उसमें शामिल हुआ, तो एक ग्रुपिंग तो तैयार होती हुई दिख रही है। और वो एक ऐसा देश है जो बगैर कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर ऐसे आईसीबीएम या न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकता है, जिससे वो साउथ कोरिया, जापान के इलाके में अपना आधिपत्य जमा और उनको नुकसान पहुंचाए। वो बहुत ज्यादा नफे नुकसान की बात नहीं करता, उसकी सोच लिमिटेड है, लिहाजा इस तरीके का इरेटिक एक्शन वो ले सकता है। लेकिन अमेरिका एक जिम्मेवार देश है, उसको समझना चाहिए कि वो किस किस फ्रंट पे इन्वॉल्व होगा। नॉर्थ कोरिया एक है, चाइना ताइवान है, रशिया यूक्रेन है, इधर सूडान में इशू है। एक तरफ ये कहा जाता है कि अमेरिका बड़ा जिम्मेदार मुल्क है, दूसरी तरफ डॉक्टर घोष ये कहा जाता है कि अमेरिका से ज्यादा गैर जिम्मेदार मुल्क है नहीं, क्योंकि ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उस मुल्क ने पैदा कर दी हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज नए नए वॉर जोन खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जमकर अमेरिका के हथियार बिकते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े देशों में होड़ सी मची नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठे करो, वॉर ड्रिल करो। देखिए ये तो कोई मतलब साफ है कि अमेरिका जो है उसे मास्टर पपेटियर कह सकते हैं। वो हर जगह जहां भी मतलब युद्ध हो रहा है अभी, जहां कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक नॉर्थ कोरिया में, एक चीन में, और साउथ चाइना सीज पूरा वो करता है, अपना ही कहता है। और एक चीज याद रखनी चाहिए कि चीन ने दो बार पहले ताइवान को लेने की कोशिश की थी 1950 में, वो सफल नहीं हुआ था। बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल, और एक बार फिर कसमें खाई जा रही हैं कि ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, ताइवान को हम लेकर रहेंगे। युद्ध की तैयारी पर ताइवान से एक बड़ी खबर है, अमेरिका से 400 एंटी शिप मिसाइल खरीदेगा ताइवान, 400। ताइवान और अमेरिका में हार्पून मिसाइल की डील पूरी हो गई है। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान का ये बड़ा फैसला। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से भारी मात्रा में अमेरिकी हथियार बिक रहे हैं। ताइवान आज की तारीख में डरा हुआ है, सहमा हुआ है चीन से। भरोसा कहां से मिल रहा है? उसी अमेरिका से। अमेरिका से ही तमाम अत्याधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं ताइवान। ताइवान खरीद रहा है एक के बाद एक तगड़े हथियार इसी अमेरिका से। और अब ताइवान और अमेरिका के बीच हार्पून मिसाइल की जो डील होने वाली थी उसके बारे में खबर है कि यह डील हो चुकी है। तो अब होगा क्या, इस डील का फर्क क्या पड़ेगा? ताइवान की तैयारी तेज, अमेरिका से आएगी हार्पून। जी हां, चीन को जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, खुद को मजबूत करता दिख रहा है। अमेरिका ताइवान के बीच हार्पून मिसाइल की डील पूरी हो गई है। अमेरिका से ताइवान 400 एंटी शिप मिसाइल हार्पून लेगा। हार्पून मिसाइल के लिए $1.17 बिलियन की डील की गई है। यह बहुत बड़ी डील है। हार्पून मिसाइल को लेकर काफी दिनों से बात चल रही थी। ताइवान को हथियार देने का लगातार चीन विरोध करता रहा है, लेकिन यह होता हुआ नजर आ रहा है। जनरल सिंह, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? एक तरफ यूएस कहीं ना कहीं भड़काता हुआ नजर आता है ताइवान को भी चीन के खिलाफ कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी डील की जा रही है मिसाइलों की। चीन को भड़का भी रहा है, साथ ही साथ अपने हथियार भी बेच रहा है। मंशा क्या नजर आती है यूएसए की? डबल रोल अमेरिका का तो साफ जाहिर होता है। घोष साहब ने बोला था पपेटियर है, चीफ पपेटियर, कठपुतली का नाच वही रहता है, कंट्रोल उसके पास है, अमेरिका के पास। पर ये देखें कि अमेरिका तो जरूर ताइवान को सपोर्ट करेगा, बहुत एक्टिवली सपोर्ट करेगा, और उसकी सपोर्ट बढ़ती रही है। मैकार्थर ने बोला था इट्स अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान फॉर अमेरिका। अभी देखें ताइवान रिलेशंस एक्ट था 1979 और ताइवान पॉलिसी एक्ट 2022 का था, जो कि फॉरेन सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने अप्रूव किया। उसमें $4.5 बिलियन मिलिट्री एड यूक्रेन को, ताइवान को दी जा रही है। और उसमें पॉलिसी एक्ट में भी है कि लड़ाई के दौरान में अमेरिका एक्टिवली सपोर्ट करेगा, तो नेचुरली इसमें ताइवान को बहुत शय मिल रही है। ठीक है, लेकिन अमिताभ सर, सारी बातों को एक तरफ रख दें, जब से ताइवान का एक तरीके से
पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इंसेप्शन हुआ है, तब से लेकर चीन उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया है। ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट क्या बताता है? ये वॉर ड्रिल, धमकियां, ये सब अपनी जगह है, लेकिन एक एक ऑन पेपर सच्चाई ये है कि ताइवान अभी भी चीन के कंट्रोल में नहीं है। वो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, स्वतंत्र देश है। देखिए, चीन और ताइवान का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जो आम आदमी के समझ में नहीं आता है। ताइवान का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि चीन हो या ताइवान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो चीनी हैं, पहली बात। और चियांग काई-शेक की कुमिंटांग पार्टी के जो की जो लीडरशिप है वहाँ, वो ये कहती है कि हम चीनी हैं, हम किसी भी समय चीन से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, ये बाद की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ताइवान सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है चीन में, और ताइवान और ताइवानीज और चाइनीज का एक आपस में बहुत इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहा है। वो एक दूसरे के जगह जाते हैं निर्बाध रूप से। तो ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पॉलिटिकल है और मिलिट्री है। एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है ताइवान को चीन से अलग रखे, और अमेरिका उसको सह देता है। एक एक, एक बड़ा पॉइंट सर ये भी है कि ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, वो सारी कठपुतली की तरह बाकी देशों को नचाता है, लेकिन खुद कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में की भूमि पर कभी युद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार पर्ल हार्बर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, रूस की वॉर ड्रिल पर जापान ने कड़ा एतराज जताया। विवादित द्वीप होकाइडो के पास रूस कर रहा है वॉर ड्रिल, जिस पर जापान ने आपत्ति दर्ज कराई। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने रूस से बकायदा विरोध दर्ज कराया। विवादित द्वीप होकाइडो के पास वॉर ड्रिल ना करे रूस, सीधा सीधा जापान ने चेता दिया है। आज से लेकर के 22 अप्रैल तक होकाइडो द्वीप के पास ये वॉर ड्रिल करने वाला है रूस, और इसी को लेकर जापान ने उसे चेताया है। अमिताभ सर, तो अगर आप उसको भी देखें तो अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में कभी नहीं आया है। एक बार पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, 2300 उसके सैनिक मार गए, उसका बदला लिया जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के 1945 में। क्या कहा कि यूरोप फ्रंट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था वो खत्म हो गया है, अगर जापान में ईस्टर्न फ्रंट को युद्ध खत्म करना है तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना जरूरी हो गया। अमिताभ जी आप बिल्कुल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन नेवल एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर घोष मौजूद हैं। डॉक्टर घोष, ये अब होकाइडो द्वीप को लेकर कौन सा विवाद शुरू हो गया? जी, मेरे ख्याल में ये कुरिल की बात हो रही है। होकाइडो में इतना कोई होकाइडो को लेकर तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये कुरिल आइलैंड्स जो हैं वो जापान और रूस के बीच विवादित हैं, और दोनों देश जो हैं उसको अपना मानते हैं। ठीक है सर, और एक और अपडेट देखिए, नीदरलैंड का रूस और चीन पर बड़ा आरोप सामने आया। नीदरलैंड्स के लिए रूस और चीन बड़ा खतरा है, ये कहा है। नीदरलैंड्स की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, निवेश के जरिए कंपनियों पर कंट्रोल करने की साजिश की जा रही है, कॉरपोरेट टेकओवर कर कब्जा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये चीन की जो एक ग्लोबल पॉलिसी है उसी को लेकर ये नीदरलैंड की अपनी चिंता है। सर, ये चिंता कितनी जायज लग रही है आपको? चिंता तो अभी देखो हर एक प्रकार की है, क्योंकि लड़ाई जैसे चल रही है, प्रॉक्सी वॉर, हाइब्रिड वॉर और कन्वेंशनल वॉर सारा मिक्स हुआ हुआ है। तो नीदरलैंड्स को भी काफ़ी इसके ऊपर डर है, और इसको कंट्रोल करने के लिए अभी वेल्थ डंपिंग के जरिए देशों की इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है चाइना, ये वो कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, चाइना का पॉलिसी ऐसे है, एक तो डेट ट्रैप करना जैसे उन्होंने BRI में किया है, और अभी जैसे वेल्थ कंट्रोल कर रहे हैं तो एक तरह का अपने आप को पीस मेकर बनाना चाहते हैं, दिखाते हैं हम शांतिपूर्व देश हैं, पर उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो एक्टिवली ठीक है वर्क ठीक है। तो देखिए, चीन को लेकर इस तरह की आशंकाएं, और ये आशंकाएं नहीं हैं, भारत के पड़ोसी देश हों या फिर दक्षिण अफ्रीका के देश हों, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हों, अब यूरोपियन कंट्रीज भी यही बात कहने लगे हैं कि चीन अपने फाइनेंशियल नेटवर्क के जरिए देशों की इकोनॉमी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में एक बड़े षड्यंत्र का ये इशारा है।